चीन का S-400 एयर डिफेंस प्रणाली भी भारत में बनी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे रोक नहीं सकती। ये दावा है ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD का। उन्होंने कहा है कि S-400 भले ही दुनिया की बेहतरीन हवाई सुरक्षा प्रणाली हो, लेकिन वो ब्रह्मोस को नहीं रोक पाएगी। डिफेंस वेबसाइट IDRW के मुताबिक असल में कहानी यह है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है। S-400 डिफेंस सिस्टम खास तौर से बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा के लिए बनाई गई है। बैलिस्टिक मिसाइल अलग तरह से ऑपरेट होते हैं, अलग ट्रेजेक्टरी से टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार रफ्तार की वजह से इसे कोई गिरा नहीं सकता। किसी भी सतह से हवा में मार करने वाले सुरक्षा प्रणाली से ब्रह्मोस को गिराना आसान नहीं है, चाहे वो S-400 एयर डिफेंस प्रणाली ही क्यों ना हो। पहले ये समझते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क क्या है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से उड़ान के लिए ऊर्जा हासिल करती है, ये सुपरसोनिक गति से अपनी उड़ान भरती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन से पावर हासिल करती है, लेकिन सिर्फ उड़ान के समय ही। बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के बाद कुछ समय के लिए प्रोपेल किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, वो टारगेट को हिट करने तक प्रोपेल होती रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा वजन के पेलोड यानी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इन पर भारी परमाणु हथियार या कोई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल में इकलौता वॉरहेड जाता है जो पारंपरिक हथियार होता है, जिसे सटीकता के साथ सीधा निशाना लगाया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को यह धोखा देने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल की तुलना में दोगुनी अधिक तेजी से वॉर करता है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकते हैं। ये मिसाइल Mach 3.5 की अधिकतम गति हासिल कर सकते हैं, यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत कम करता है। और यही कारण है कि ब्रह्मोस को ये सुपर डेडली बनाता है, जिसके कारण S-400 के खिलाफ भी इसके मजबूती से टिके रहने के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।